बी अ पार्ट ऑफ पावरफुल डिजिटल न्यूज नेटवर्क नवी मुंबई नेटवर्क, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नवी मुंबई में 9 जून को 89 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा 3000 पार करते हुए 3063 तक पहुंच चुका है और एक्टिव केस अर्थात कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिली और ये आंकड़ा अब घटकर 1119 तक पहुँच चुका है। ऑल इज वेल, आज नवी मुंबई के लिए ऑल इज वेल ये रहा कि आज कोरोना संक्रमित से अधिक डिस्चार्ज नागरिकों की संख्या रही। नवी मुंबई में 90 कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना मुक्त होकर आज डिस्चार्ज किए गए और इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का कुल आंकड़ा भी बढ़कर 1848 तक पहुंच चुका है और कोरोना मुक्त व्यक्तियों का भी आंकड़ा 60% दर्ज किया गया। दुखद घटना, बता दें कि आज कोरोना संक्रमण से कुल 4 लोगों की मौत हो गई और इसी के साथ कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा 96 तक पहुंच चुका है। आज मृतकों में शामिल हैं कोरोना संक्रमण से जुहू गांव सेक्टर 11 के रहवासी 43 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कोरोना संक्रमण से सेक्टर 5 घनसोली के रहवासी 36 वर्षीय एक और व्यक्ति की मौत हो गई, कोरोना संक्रमण से नौसिल्लाका घनसोली के रहवासी 52 वर्षीय व्यक्ति की भी मौत हो गई, कोरोना संक्रमण से सेक्टर 27 नेरुल के रहवासी 26 वर्षीय एक महिला की भी मौत हो गई। तो इसी के साथ डिस्चार्ज हुए लोगों में शामिल हैं 32 महिलाएं और 58 पुरुष। बता दें कि डिस्चार्ज हुए लोगों में शामिल हैं नेरुल से 1 महिला, 7 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए, वाशी से 6 महिलाएं, 11 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए, तुरभे से 7 महिलाएं, 15 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए, कोपे कहने से 11 महिलाएं, 18 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, घनसोली से 2 महिलाएं, 1 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किया गया, एरोली से 3 महिलाएं, 6 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए, जबकि दिघा से 2 महिलाएं कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज की गयी। तो चलिए अब ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि नवी मुंबई में कहां कहां पाए गए कोरोना संक्रमित मरीज। एरोली 7, घनसोली 5, कोपे कहने 10, नेरुल 23, तुरभे 13, वाशी 8, दिघा 3, जुईनगर 5, सानपाड़ा 10 और बेलापुर 5। बता दें कि आज ऐरोली सेक्टर 20 से 1, चिंचपाड़ा से 2, सेक्टर 3 से 1, यादवनगर से 1, ऐरोली से 1 और सेक्टर 15 से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। दिघा की तरफ बढ़े तो दिघा से 2, पंडरी नगर से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। घनसोली की तरफ बढ़े तो सेक्टर 16 से 1, घनसोली गांव से 1, रबाले से 2, महापे से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। तुरभे हनुमान नगर से 1, सेक्टर 22 से 2, सेक्टर 21 से 5, तुरभे स्टोर से 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि वाशी कोपरी गांव से 1, सेक्टर 10 से 2, सेक्टर 11 जुहू गांव से 3, सेक्टर 2 से 1, सेक्टर 15 से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया, जबकि जुईनगर सेक्टर 23 से 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। कोपे खेड़ने की तरफ बढ़े तो सेक्टर 5 से 1, सेक्टर 11 से 3, सेक्टर 19 से 3, कोपर खेड़ने से 1, पावनी गांव से 1 और सेक्टर 12 ए से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया, जबकि नेरुल सेक्टर 20 से 5, सेक्टर 10 से 1, सेक्टर 19 से 2, नेरुल से 3, सेक्टर 29 से 1, सेक्टर 50 से 1, शिरवने से 6, सेक्टर 6 सारसोले से 1, सेक्टर 1 से 2, सेक्टर 42 से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। बेलापुर में सेक्टर 20 से 1, सेक्टर 3 से 1, करावे से 2, सेक्टर 15 से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया, जबकि सानपाड़ा की बात करें तो सेक्टर 5 से 5, सेक्टर 17 से 1, सेक्टर 14 से 1, सेक्टर 7 से 1, सेक्टर 3 से 1, सानपाड़ा से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से एज ग्रुप में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या रही। 0 से 10 की एज ग्रुप में 2, 11 से 20 की एज ग्रुप में 6, 21 से 30 की एज ग्रुप में 17, 31 से 40 की एज ग्रुप में 23, 41 से 50 की एज ग्रुप में 20 और 50 से अधिक की एज ग्रुप में 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। तो इसी के साथ डालते हैं एक नजर कि नवी मुंबई में कहां कहां पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज। चिंचपाड़ा एरोली 25 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 14 सानपाड़ा 46 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 17 सानपाड़ा 32 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 3 सानपाड़ा
48 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 10 नेरुल, 81 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 5 सानपाड़ा, 18 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव कोपरी गांव, 48 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 5 कोपर खेंडे, 59 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 50 नेरुल, 80 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 20 सीबीडी, 6 वर्षीय लड़का कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 21 तुर्भे, 38 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 3 एरोली, 48 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव रब्बाले, 60 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पावणे गांव, 61 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव दिघा नवी मुंबई, 25 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 10 वाशी, 51 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 10 वाशी, 52 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 20 एरोली, 30 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 2 वाशी, 66 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 11 कोपर खेंडे, 12 वर्षीय बालक कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 11 कोपर खेंडे, 40 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव चिंचपाड़ा एरोली, 47 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 23 जुई नगर, 35 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 23 जुई नगर, 37 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 20 नेरुल, 55 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 20 नेरुल, 50 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव शिरौने नवी मुंबई, 39 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव यादव नगर एरोली, 54 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव शिरौने, 50 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 23 जुई नगर, 32 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव हनुमान नगर तुर्भे, 38 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव करावे गाँव, 26 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 3 सीबीडी, 58 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 20 नेरुल, 20 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 20 नेरुल, 22 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 20 नेरुल, 27 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 29 नेरुल, 35 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 6 सारसोले, 24 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव दिघा, 29 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव रबाले एमआईडीसी, 32 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव शिरौने गांव, 41 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 21 तुर्भे, 40 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव शिव शक्ति नगर तुर्भे स्टोर, 58 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव शिव शक्ति नगर तुर्भे स्टोर, 63 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव शिव शक्ति नगर तुर्भे स्टोर, 31 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव शिव शक्ति नगर तुर्भे स्टोर, 35 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव शिव शक्ति नगर तुर्भे स्टोर, 31 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 5 सानपाड़ा, 44 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 5 सानपाड़ा, 47 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव एरोली नवी मुंबई, 30 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 11 कोपर खेंडे, 22 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पंडरी नगर दिघा, 45 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 15 वाशी, 65 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 11 जुहूगांव, 43 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव महापे, 37 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 15 बेलापुर, 50 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 21 तुर्भे, 28 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 5 सानपाड़ा, 39 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सानपाड़ा, 17 वर्षीय लड़का कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 7 सानपाड़ा, 35 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 19 कोपर खेंडे, 18 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 11 जुहूगांव, 32 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 22 तुर्भे गांव, 1 वर्षीय लड़का कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 22 तुर्भे गांव, 45 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 19 कोपर खेंडे, 59 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 19 कोपर खेंडे, 68 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव नेरुल, 58 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव नेरुल, 48 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 1 नेरुल, 23 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 11 जुहूगांव, 30 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 36 करावे, 27 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 16 घनसोली, 37 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव नेरुल, 24 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 19 नेरुल, 24 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 16 एरोली, 33 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव शिरौने गांव, 14 वर्षीय लड़का कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 21 तुर्भे, 30 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव शिरौने नवी मुंबई, 38 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 1 शिरौने, 50 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 42 नेरुल, 38 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 12 ए कोपर खेंडे, 57 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव घनसोली गांव, 55 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 21 तुर्भे, 78 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 1 नेरुल, 50 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 19 नेरुल, 55 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव कोपर खेड़ने, 35 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 5 सानपाड़ा,
47 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 23 जुई नगर, 43 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 23 जुई नगर, 44 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव। तो चलिए अब डालते हैं आंकड़ों पर नजर। कुल कोविड 19 टेस्ट जनसंख्या 13,762, कोरोना पॉजिटिव केस 9 जून 2020 यानी आज 89, कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 3,063, कोरोना के एक्टिव केस 1,119, क्वारंटाइन का समय पूरा करने वालों की संख्या 27,802, कोरोना जांच में पाए गए कुल नेगेटिव केस 10,263, रिपोर्ट प्रलंबित 436, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 1,848, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 9 जून 2020 यानी आज 90 और कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा 96। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।